वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, माध्यमिक निदेशालय बीकानेर की तरफ से डायल फ्यूचर नामक कार्यक्रम विद्यालय में शुरू किया जा रहा है। क्या कार्यक्रम होगा और इसमें किस किस की क्या जिम्मेदारी होगी उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें विषय है डायल फ्यूचर कार्यक्रम हेतु दिशा निर्देश। अब ये क्या प्रोग्राम है, तो इसमें लिखा हुआ है कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थी का समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। अतः विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन और कक्षा 10 के बाद 10 उत्तीर्ण होने के बाद में 11वीं में संकाय या विषय चयन के संबंध में विद्यार्थी की रुचि, उपलब्धि और स्थान के अनुसार मनोवैज्ञानिक सपोर्ट और परामर्श का दायित्व भी विद्यालय का होता है। और इस उद्देश्य से सत्र 2022-23 में कक्षा 10 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए, यानी जो पिछला सत्र था उसमें जो 10वीं उत्तीर्ण होकर के इस बार 11वीं में आए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए विषय या संकाय चयन में सहायता या मार्गदर्शन हेतु डायल फ्यूचर कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 10 में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का विषय संकाय चयन, विषय संकाय या अथवा कक्षा 10 के बाद संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपलब्धता वाले विद्यालयों संस्थानों की जानकारी और विषय संकाय या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश और उनके उनसे अध्ययन से जुड़े कैरियर के बारे में परामर्श यानी काउंसलिंग में सहायता करेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये कैरियर काउंसलिंग के संबंध में प्रोग्राम होगा। और इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य होंगे, पहला उद्देश्य तो कि 10वीं से उत्तीर्ण होकर आगे की शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाकर विद्यार्थी के भविष्य की दिशा निर्धारित करना। उसके बाद 10वीं के उपरांत आगामी अध्ययन हेतु संकाय और विषय या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में से किस किस को चुनना है, क्या चयन करना है, उसका मार्गदर्शन है वो शिक्षक द्वारा किया जाएगा। और इस हेतु विद्यालय शिक्षकों को पथ प्रदर्शकों के रूप में चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करना और जो विद्यालय का विषय या संकाय या अन्य पाठ्यक्रम चयन में परामर्श करेंगे। इसके अलावा चयन किए गए विषय संकाय या अन्य पाठ्यक्रमों के क्रम में विद्यालय और संस्थान के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना और मंडल स्तर पर विद्यार्थियों को दूरभाष पर विषय या संकाय या अन्य पाठ्यक्रम चयन हेतु मार्गदर्शन परामर्श हेतु हेल्प डेस्क स्थापित करना, हेल्प डेस्क के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उनके प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण करना। और इसके अलावा विद्यार्थियों को ट्रांसफर वाउचर की जानकारी उपलब्ध कराना। ये तो इसके उद्देश्य थे। अब इसके क्या कार्यक्रम क्या होंगे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या काम होंगे, तो डायल फ्यूचर कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले तो पथ प्रदर्शक शिक्षक का चयन किया जाएगा, यानी प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक है उसको पथ प्रदर्शक शिक्षक के रूप में चयनित किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ डायल फ्यूचर कार्यक्रम के तहत चयनित पथ प्रदर्शक शिक्षक के चयन का दायित्व संबंधित संस्था प्रदान का होगा और वे तत्काल इसका चयन कर 26 से 28 को प्रस्तावित ऑनलाइन आमुखीकरण कार्यशाला में स्वयं के भाग लेने हेतु निर्देशित करेंगे। यानी कि संस्था प्रधान द्वारा एक अध्यापक, व्याख्याता या जो भी विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध होंगे उनको, उनमें से एक शिक्षक को इसमें चयन करेंगे पथ प्रदर्शक शिक्षक के रूप में। और 26 से 28 जून तो जो भी कार्यक्रम होगा या आमुखीकरण कार्यशाला जो ऑनलाइन होगी उसमें भाग लेने के लिए उनको निर्देश देंगे। और यदि कैरियर काउंसलिंग प्रभावी नहीं बनाया गया है तो उस शिक्षक को पथ प्रदर्शक शिक्षक बनाया जाए जिसने कैरियर काउंसलिंग संबंधी प्रशिक्षण लिया हो या कार्यशाला में भाग लिया हो। और यदि दोनों उपलब्ध जो भी मैं नहीं है कोई भी शिक्षक, तो पथ प्रदर्शक जो भी शिक्षक है उसको बनाया जाए जो बच्चों के मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझता हो और जिसकी विषय संकाय के चयन संबंधी काउंसलिंग रुचि और विज्ञता हो, यानी जो भी अच्छे जानकार शिक्षक है उनको किसी को भी संस्था प्रधान अपने विवेक से इसको नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद में पथ प्रदर्शक शिक्षक के क्या कार्य होंगे, तो पहला होगा कि राज्य स्तर से उपलब्ध कराई गई सामग्री या ब्रोशर को अध्ययन कर विद्यार्थियों का विषय या संकाय चयन हेतु विद्यार्थियों से संवाद कर उनके मनोवैज्ञानिक स्तर, बौद्धिक स्तर और रुचि के अनुसार उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु विषय या संकाय चयन में उनकी सहायता करना। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी विषय चयन या संकाय चयन करता है उसके लिए कहाँ कहाँ विद्यालय में उपस्थित वहाँ फैकल्टी उपलब्ध है उन विद्यालयों के बारे में उनको सूचना देना। और इससे तो शाला दर्पण के सिटीजन विंडो जिसमें सब्जेक्ट वाइज विंडो स्कूल सर्च ऑप्शन का भी उपयोग किया जा सकता है। आपको पता मतलब शाला दर्पण के जो सिटीजन विंडो में आप जा करके किसी भी विद्यालय में देख सकते हैं कि वहाँ कौन कौन सी फैकल्टी है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। और यदि विद्यार्थी को बताया गया विद्यालय के उसके निवास स्थान की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक हो तो विद्यार्थी को ट्रांसपोर्ट वाउचर की विस्तृत जानकारी देगा, यानी उनको आने जाने का जो भी व्यय होगा वो 11वीं 12वीं में पढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और उन्हें सेतु मार्गदर्शन कर विभागीय कार्रवाई पूर्ण करवाना।
इसके अलावा दसवीं बाद में जो भी वोकेशनल कोर्स ITI नर्सिंग या पॉलिटेक्निक कोर्स वगैरह उनकी जानकारी देना, और कोई इच्छुक विद्यार्थी अगर इससे जुड़ना चाहे, इन संस्थानों में एडमिशन लेना चाहे और उससे जुड़े जो भी कैरियर की जानकारी है वो उन संस्थाओं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को जागरूक किया जाना, और विद्यालय में समय समय पर कैरियर सप्ताह, कैरियर डे का आयोजन करना जिसमें विद्यालय विद्यार्थी के उपयोग का कार्य करेंगे। अब इसका संभाग स्तर पर क्या इसका हेल्प डेस्क होगा, तो विद्यार्थियों को संकाय या विषय चयन में दूरभाष पर सहायता के लिए विभिन्न चार जो मंडल है उनमें निम्नानुसार दल का गठन किया जाता है जो निर्धारित किए गए संभाग द्वारा राज्य की किसी भी स्थान से दूरभाष द्वारा विद्यार्थियों की कॉल रिसीव कर उनके विषय या संकाय संबंधी जो भी जिज्ञासा है उनका समाधान करेंगे, परामर्श करेंगे, और जिसमें हेल्प डेस्क जो जोन है, कोटा जोन है, जयपुर जोन, जोधपुर जोन और बीकानेर जोन। अब इसमें गाइड संख्या सभी में 5-5 है, और जैसे जयपुर संभाग में जयपुर और भरतपुर संभाग है, कोटा में कोटा उदयपुर, और जोधपुर संभाग में जोधपुर और पाली संभाग जो एजुकेशनल संभाग है उनके संबंधित जो भी स्टूडेंट है वो पूछ सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा उक्त हेल्प डेस्क 5 विशेषज्ञों का चयन कर संबंधित संयुक्त मंडल निदेशक द्वारा किया जाएगा, और संयुक्त निदेशक कार्यालय के सहायक निदेशक की देखरेख में ये जो भी हेल्प डेस्क है वो काम करेगी, और इसके लिए जो भी हेल्प डेस्क के विशेषज्ञ उनके नाम और दूरभाष नंबर भेजेंगे और इसकी पूरी जानकारी इसको दी जाएगी। तो इसके अलावा हेल्प डेस्क के चयनित विशेषज्ञों को 26 से 28 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित होने वाले आमुखीकरण कार्यशाला में भाग लेंगे, और 3/6 से 5/7 तक शनिवार और रविवार सहित प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक निम्न संभाग स्तरों पर हेल्प डेस्क दल द्वारा दूरभाष पर परामर्श कार्यक्रम द्वारा भी विद्यार्थियों को संकाय हेतु मार्गदर्शन किया जाएगा। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो है कि 24/6/2023 को निदेशालय से जो भी निर्देश प्राप्त कर उसका अध्ययन करना, 26 से 28 जून तक आमुखीकरण कार्यशाला होगी ऑनलाइन VC उसमें जुड़ना, और 30/6 को RSCERT यानी राजस्थान जो शैक्षिक परिषद है उदयपुर है उसके द्वारा जो भी 4 वाउचर है उसको अध्ययन करना, और 30/6 से लेकर 5/7 तक यानी 5 जुलाई तक राज्य या संभाग स्तर पर हेल्प डेस्क द्वारा परामर्श कार्य करना, 30/6 से 5 तक जो भी विद्यालय स्तर पर भी पथ प्रदर्शक द्वारा जो भी मार्गदर्शन किया जाएगा, और 8/7 तक फ्यूचर डायल कार्यक्रम के माध्यम से जो भी सूचनाएं है वो विद्यार्थियों के समय के लिए सूचनाएं वो प्रेषित की जाएगी। तो ये पूरा कार्यक्रम होगा, तो कहने का मतलब हुआ कि डायल फ्यूचर कार्यक्रम है, प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो करियर गाइडेंस के रूप में कार्य करें, ताकि विद्यार्थियों को जो भी 11वीं क्लास में आए हैं उनको फैकल्टी वाइज क्या क्या ऑप्शंस उनके सामने रहेंगे, किस क्षेत्र में उसकी रुचि है उसके अनुसार कौन कौन से सब्जेक्ट वो ले सकता है, आगे क्या कैरियर के ऑप्शन है वो सारी जानकारी देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी जो डायल फ्यूचर कार्यक्रम के संबंध में। अगर आप भी किसी विद्यार्थी को जानकारी देना चाहते हो तो मैंने 11वीं के बाद में किस किस विषय के क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है उसके संबंध में पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर स्टूडेंट्स को साझा करें ताकि स्टूडेंट को काफ़ी हद तक उसमें सहायता मिल जाएगी। अन्य जो भी कैरियर के संबंध में वीडियो है वो भी मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि प्रत्येक स्टूडेंट जो 12वीं के बाद क्या क्या कर सकता है, 10वीं के बाद क्या क्या कर सकता है, कौन सी विषय लेने के बाद में उसको क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होंगे उसकी काफ़ी हद तक जानकारी मैंने एक वीडियो में दी हुई है जिसका लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। तो वो वीडियो आप जरूर स्टूडेंट्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।